तो भी सबसे पहले जाते हैं भारत डायनामिक्स के बारे में भारत डायनमिक्स क्या है उसके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं तो अगर इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं सो तो भारत डायनामिक्स इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज सो इट्स अ पी एस यू विच इज़ एंगेज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स सो इसका काम होता है गाइडेड मिसाइल्स गाइडेड मिसाइल्स क्योंकि अभी जो है वारफेयर जो है थोड़ा तो सा अगले स्टेज में चला गया अगर आप रशिया यूक्रेन वार को अगर फॉलो करते हैं मॉडर्न जो वारफेयर होता है पहले क्या होता था आप तलवार लेके जंग लड़ते थे तो वहाँ पे आपका फ़ेस टू फेस, -फेस वॉर होता था उसके बाद क्या हो गया उसके बाद राइफल का इन्वेंशन हुआ राइफल पिस्टल फिर उसके बाद होता है कि आप थोड़ा सा दूर से एक दूसरे को गोली मारते हो मतलब एकदम हैंड टू हैंड कॉम्बैट उतना नहीं होता है क्योंकि अगर आप डिफेंस के बारे में जानते हैं वॉर के बारे में जानते हैं बिकॉज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ अगर आपको उस इंडस्ट्री के बारे में जानना है तो उसके हिस्ट्री के बारे में भी जानना पड़ेगा उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा एंड आई एम क्वाइट लकी टू नो एटलीस्ट बेसिक्स अबाउट पिस्टल राइफल के बाद क्या हो गया और भी थोड़ा डिस्टेंस हमने बढ़ाया कैसे हम मिसाइल फेंकते हैं बोफोर्स वगैरह जो देखते हैं ना शेलिंग होता है तो वो हम और थोड़ा सा दूर से बम फेंकते हैं उसके बाद क्या हो गया कि अभी वो डिस्टेंस हमने और बढ़ा दिया मिसाइल्स के माध्यम से अभी आप देखोगे कि जो मिसाइल होते हैं 800 किलोमीटर जाता है हज़ार किलोमीटर जाता है अब तेरह हज़ार हाइपरसोनिक मिसाइल जो होते हैं तेरह हज़ार किलोमीटर बारह हज़ार किलोमीटर वो ट्रैवल कर सकते हैं यानी आप यहाँ पे बैठ के बारह हज़ार किलोमीटर दूर भी हमला कर सकते हो साइबर वॉरफेयर भी है वो थर्ड मतलब दैट इज़ अ थर्ड जनरेशन ऑफ वॉरफेयर सो जब भी आप किसी को डैमेज करना चाहते हैं मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका अभी मिसाइल्स जो है वो अभी ज़्यादा उसका यूसेज होता है अगर आप एंटी टैंक डिफेंस मिसाइल गाइड यू नो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स क्रूज मिसाइल्स ये सारे जो मिसाइल्स होते हैं ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होते हैं एंटी टैंक मिसाइल्स भी जो होता है और टू अ सर्टन डिस्टेंस आप टैंक्स uh, को जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंड आई डिफेंस इक्विपमेंट्स तो ऑर्डर बुक ऑर्डर बुक मतलब आपको कितने करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है तो अभी इसका जनवरी दो तक आठ करोड़ का मतलब मोर देन वन बिलियन डॉलर्स का आपका इसको ऑर्डर मिला है क्या क्या ऑर्डर्स मिला है कॉन्कोर्स ए टी जी एम एटी जी एम का मतलब होता है एंटी टैंक मिसाइल गाइडेड मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वर्थ सिक्स थर्टी थ्री करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्यारह सौ मतलब बारह सौ करोड़ फॉर दी सप्लाई ऑफ हैवी वेट टॉर्पीडोज टॉर्पीडो का मतलब जो आप सबमरीन से आप छोड़ते हो उसको कहते हैं हम टॉर्पीडो वरुणस्त्र टू द इंडियन नेवी द डिलीवरी पीरियड इज फोटी टू मंथ्स विच इज क्विट लो हाई बेसिकली एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ शिप सेट ऑफ लाइट वहीकल टॉर्पीडो अगर जैसे मैंने कहा शिप में आपका जाता है टॉर्पीडो मतलब अंडर वाटर ये ध्यान में रखिएगा टॉर्पीडो मतलब अंडर वाटर मिसाइल मतलब जो हवा में जाता है या सर्वेस टू एयर होता है द टोटल वैल्यू इज सिक्स पॉइंट टू फोर मिलियन दैट इज अराउंड फोर्टी टू सो अराउंड चार सौ करोड़ का जो है नहीं नहीं चार सौ नहीं फोर्टी टू करोड़ समथिंग एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एल डब्ल्यू डी एक्सपी देखना पड़ेगा लाइटवेट एक्सपी व्हाट इज लाइट एक्सपी ये भी टॉरपीडो ही है ठीक है फॉर दप्लाई ये शिप्सट लाइट वेट टॉर्पीडो अच्छा लाइटवेट अच्छा एसोसिएटेड इक्विपमेंट टोटल वैल्यू इज़ 14.33 मिलियन टू बी एक्जीक्यूट टू थाउजेंड ऑलरेडी एक्जीक्यूट हो चुका है एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर टू फॉर आकाश सर्विस टू मिसाइल सर्विस टू एयर मिसाइल एंड कॉन्को एंटीटैक मिसाइल आकाश मिसाइल एंड कॉन्कोस एंड एंटीटैंक गाइडेड मिसाइल हैव हैविन डेवलप इंडिजिनसली मतलब इंडिया में इसका डेवलप हुआ है मेड इन इंडिया अभी वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है बहुत बढ़िया बात है अभी अगर मैं अपना फेस को थोड़ा अगर हटाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे द अग्रीमेंट माइट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बी लाइक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड टू ऑफर स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम्स टू एन इंडियन आर्म टू द इंडियन आर्म फोर्सेस विद अ मिनिमम सिक्सटी परसेंट इंडिजिनस कंटेंट कॉलीफाइंग अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम द कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू एक्सपैंड इट्स एक्सपोज टू स्टार स्ट्रिक्स कस्टमर्स ओके okay, बहुत बढ़िया तो अभी आपको समझ में क्या आ रहा है क्या समझ में आ रहा है कि दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ अ पार्ट ऑफ यू नो द इंडियन गवर्नमेंट सो अभी इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करके इसको बोल रहे हैं कि भैया बनाओ मिसाइल्स आपका फोकस होगा मिसाइल्स पे फोकस करना और अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स में आपको टैंक वैंक ये सब कुछ नहीं बनाना है आपको सिर्फ फोकस करना है मिसाइल्स के ऊपर और सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब आप सरफेस से एयर एयर पे छोड़ते हो फिर वो सर्फेस पर हिट करता है या एयर में कोई टारगेट को हिट करता है टॉर्पीडो मतलब जो पानी से आपका जाता है पानी के अंदर जाता है ठीक है और यहाँ पे चाइना जो क्या करता है चाइना दूसरे कंट्री का जो इक्विपमेंट है उसका चोरी करके खुद बना के करता है इंडिया भी कर सकता है बट इंडिया में बिकॉज uh, बहुत पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे लॉबीबाजी होता है सो वी कैन नॉट डू इट एंड बट इंडिया शुड काइंड ऑफ टेक दैट अप्रोच कि भाई दूसरे से कॉपी करके अपने से इनोवेशन करके उसको आगे लेके सस्ता करके अपने देश को देश के डिफेंस को बेहतर बनाओ सो so ये हो गया बेसिकली वट इज़ यू नो भारत डायनिक्स